नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए जनरल नॉलेज के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें क्योंकि वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो ऑप्शन हैं आपके, वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन बी है छमाही गति के कारण, ऑप्शन सी है तिमाही गति के कारण एंड ऑप्शन डी दैनिक गति के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी दैनिक गति के कारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे बड़ा ग्रह है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शंस होंगे आपके, ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी बृहस्पति एंड ऑप्शन डी होगा आपका पृथ्वी। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सबसे छोटा ग्रह है। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शंस होंगे आपके, ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटा ग्रह होता है बुधवार। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? तो मैंगनीज के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान, भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान इसमें कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रूसी संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत एंड ऑप्शन डी ब्राजील। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो की PDF फाइल को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो PDF फाइल होगी इसको डाउनलोड करना बिल्कुल फ्री होगा, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए ओसाका, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी नागासाकी एंड ऑप्शन डी याकोहामा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 1857 के गदर के समय, ये जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8, विध्यांचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। विध्यांचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन है आपके, दामोदर नदी पर, ऑप्शन बी कावेरी नदी पर, ऑप्शन सी गंडक नदी पर एंड ऑप्शन डी यमुना नदी पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दामोदर नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी गुरुमुखी, ऑप्शन सी देवनागरी एंड ऑप्शन डी होगा आपका हेरोग्लाइफिक्स, हेरोग्लाइफिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ब्राह्मी। जी हाँ दोस्तों, अशोक के शिलालेखों की जो लिपि थी वो थी ब्राह्मी।
तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।